देखिए वॉइस की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वॉइस। अब आज आपको बताते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की वॉइस कैसे बनती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वॉइस बनती नहीं तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की बनेगी। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पैसिव की सहायक क्रिया होगी विल बी और शैल बी, विल बी या शैल बी। इसमें एक वचन या बहुवचन का कोई बाउंडेशन नहीं होता, इसमें पर्सन का काम होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन यानी कह दिया जाए आई और वी, केवल आई और वी, अगर आई और वी है सब्जेक्ट तो हम उसके साथ केवल शैल लगाते हैं, से सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, से सभी के साथ विल लगाते हैं। ट्रांसलेशन करते वक्त एक कंडीशन आया करती है जब सहायक क्रियाएं हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे कभी कभी उसमें आ जाता है कि यदि वाक्य में मान लो कहीं धमकी निश्चितता बाध्यता अनिवार्यता आ जाती है तो उस पोजिशन में फिर हमें आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ फिर सेल का यूज करना पड़ता है, उनमें कोई अलग से उनकी मीनिंग नहीं रखती। जैसे कह दिया जाए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो ये धमकी हुई, तो फिर यहाँ पे आई के साथ हम विल का यूज करेंगे सेल का नहीं, इसका अनुवाद हो जाएगा आई विल किल यू, ये होगा, फिर हम सेल का यूज नहीं करेंगे, उसमें फिर केवल सहायक क्रिया चेंज कर देते हैं, यानी आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, सभी के साथ सेल का यूज करते हैं। तो वॉइस में भी वही तरीका होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी रहेगा तो सेल लगाएंगे, से सभी के साथ विल लगाएंगे, बाकी पूरा सेम वही रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, चूंकि आपको हम अफर्मेटिव का ही बताने जा रहे हैं। तो देखिए इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई वाक्य ले लिया जाए, जैसे कह दिया जाए जैसे आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, तो इसे जब चेंज करेंगे तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे शुरू में ले आएंगे यू, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, नए बने हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो नया सब्जेक्ट बन गया हमारा यू, यू के साथ हमें क्या लगाना है वी या शैल में से किसी एक को लगाना है, आई और वी के साथ बस सेल लगाते हैं, से सभी के साथ विल लगाते हैं, तो यू हो गया तो क्या लगाएंगे विल, यू विल, फिर क्या दो में से किसी एक को लगाना है, फिर आगे बढ़ चलते हैं बी, तो यू विल बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म टाट, यू विल बी टाट, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बाई मी, You will be taught by me. आगे जैसे देखिए ये जैसे है सी विल सिंग ए सॉन्ग, सी विल सिंग ए सॉन्ग, ये जैसे है तो इसे जब हमें चेंज करना है तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए सॉन्ग, तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, अब सब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग है, आई और वी है नहीं तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, ए सॉन्ग विल बी, क्योंकि विल और शैल में से किसी एक को लगाना है और बी सबके साथ कंपलसरी है, तो ए सॉन्ग विल बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई अब सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई हर, क्योंकि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो प्रोनाउन आता है उसका हम ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, ये हो गया। अगर मान लो कहीं यही वाक्य हमारे निगेटिव हो जाते हैं तो निगेटिव हो जाते हैं तो विल या शैल के बाद तथा बी के पहले नॉट लग जाता है, बाकी पूरा हमारा वही रहता है। जैसे
कैसे कह दिया जाए, ही विल नॉट बीट मी, ही विल नॉट बीट मी। तो इसे जब चेंज करेंगे, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, तो मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट के जगह पर किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो जब उसे सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका नॉमिनेटिव केस रखते हैं, ऐसा पहले की वीडियो में भी बताया जा चुका है। तो मी है तो इसे जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका नॉमिनेटिव केस रखेंगे, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम, शैल, तो आई शैल, निगेटिव है नॉट। फिर इसके बाद बी का यूज करेंगे, आई शैल नॉट बी। अब वर्ब क्या है, बीट, तो बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बाई हिम, आई शैल नॉट बी बीटन बाई हिम, ये निगेटिव हो गया। इसके बाद देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, मोहन विल नॉट रीड रामायण, मोहन विल नॉट रीड रामायण। तो इसे जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा रामायण, तो रामायण को सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे शुरू में ले आएंगे रामायण, रामायण। अब आई और विल तो है नहीं, आई और वी तो है नहीं, तो सीधे से विल, निगेटिव है नॉट। नॉट के बाद फिर क्या लगाएंगे, बी, रामायण विल नॉट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही रहती है, उच्चारण चेंज होता है रेड। अब बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई मोहन, ये हो गया। आज की वीडियो में बस अफर्मेटिव और निगेटिव तक ही बताएंगे, इसके बाद अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वॉइस कैसे बनाई जाती है। आज तक के लिए बस इतना ही।